अस्सलामुअलैकुम, शिफा के पकवान में आपको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। चलो शुरू करते हैं। मिला रमान रहीम, इसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी। हमने 2 चम्मच लिए, ये क्रश करके, ये हमने क्रश किया हुआ प्याज लिया है, ये हमने थोड़ा सा हमने लिया है धनिया लिया, ये हमने सब्ज मिर्ची लिया है और ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। हम इसमें ये लाल मिर्च है हमने हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून लिया है हमने ये। ये हमने नमक लिया है। ये हमने सूखा धनिया लिया है। ये हमने जीरा लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करते हैं। अब हम मेथी ऐड करेंगे, बॉल्स बनाएंगे। इनको हमने इसी तरह गोल गोल कर लेना है। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई थी। इस तरह हमने इनको हमेशा लेना है। तकरीबन आप एक ही साइज़ की बनाइएगा, एक ही साइज़ की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जितना आपका साइज़ चाहे, जितना आपका दिल चाहे, आप उतना साइज़ इसका ले सकती हैं। इसी तरह हम सब रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने सब रेडी कर लेनी है। हमने पोटैटो रोल्स की कोटिंग करेंगे। कोटिंग हम एग से करेंगे। एग में हमने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से हमने बैठ लिया। दो हमने अंडे लिए थे, ये हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अच्छे से हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स हम अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। अब हम इनको ऐसे करके हम सभी को सभी की ऐसी ही कोटिंग कर लेंगे। पहले हम अंडा लगाएंगे अच्छे से, फिर हम ब्रेड क्रम्स, इसी तरह हमने सबकी कोटिंग कर लेनी है।
पोटैटो बॉल्स से इनकी हमने कोटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से, इनसे हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब हम उनको डीप फ्राई कर लेंगे। घी को हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। आपने इनको जरूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मजे की टाटो बॉल्स बनती हैं। कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इनको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लेंगे। इनको निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम सी आवाज़ आ रही है, सायरन हो रहा है और बनाते बनाते रोज़ा भी खुल गया। आज मेरा तो रोज़ा नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सिर्फ मम्मा का ही था, तो मम्मा ने भी किचन में ही रोज़ा स्टार्ट किया। ये पोटैटो बॉल्स हैं, बहुत ही मज़े की हैं, बहुत ही प्यारा इनका कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल जोन से अब बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने ज़रा एहतियात करनी है या तो अपनी मम्मा की हेल्प लेनी है। अब हमने थोड़े थोड़े करके डाले हैं, देखें अब ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। पहले मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिए थे जिसकी वजह से मेरे दो टूट गए हैं। ये अब हमने थोड़े थोड़े करके डाले हैं, तो ये देखें ये कोई भी नहीं टूटा और कितना प्यारा इनका कलर आ गया, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अच्छी तरह से हम इसका घी नीचे निकाल लेंगे। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं हमारी पोटैटो बॉल जो थी वो बन के रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। इनको आप हम दही की चटनी के साथ खा सकते हैं, केसर के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। हमारी पोटैटो बॉल्स बहुत ही मज़े की बनी है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं वो दुआ करूँगी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, हर तालिबे इल्म को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं तो जब भी स्कूल जाती हूँ इसको 5 times ज़रूर पढ़ती हूँ। अब मैं आपको ये दुआ सुनाती हूँ। रब्बी श्राह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद दुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।